ये बताएं कि आपको किन इश्यूज का सामना है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में कश्मीर की सीट सिर्फ एक होती है, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आते हैं सेल्फ पे, ठीक है। सबसे बड़ा मसला तो है ये भी है कि हम एक स्टूडेंट आता है मेरिट पे, ठीक है। और बाकी इश्यूज ये हैं कि 2% कोटा है, ठीक है। और बाकी ये है कि जो कौंसल्स बनी हुई हैं, पंजाबी कौंसल, पख्तून, सब की कौंसल्स हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कश्मीर कौंसल नहीं बनने दे रहा, जिसमें ये सब कौंसल्स बहुत मुश्किलात का हमें सामना है कि वो हमारी कौंसल नहीं बनने दे रहे, और इसी वजह से हमारे सिक्योरिटी इश्यूज भी रहते हैं। जैसे कि ये वाक़या है लड़ाई का, ये लड़ाई हुई रात में हुई है, और इसमें सिक्योरिटी को और पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म किया गया कि ये रात में ये लड़ाई हुई है और आप हमें सिक्योरिटी फ्राहम करें, लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी रद्द अमल नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जब ये लोग जो हमारे भाई हैं ये क्लासेस ले रहे थे, क्लासेस से जब बाहर निकले हैं तो ये पंजाबी बहुत ज़्यादा तादाद में जो पंजाबी थे उन्होंने आके हमला किया, लेकिन तब भी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं आई। जब ये मारपीट हो रही थी, जब मारपीट के चले गए हैं फिर आई एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कहने लगी, फिर उन्हें मेडिकल सेंटर लेके गए हैं, तो फिर लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर तो आना चाहिए था। अब वो लोगों को गिरफ्तार भी नहीं किया जो लोग मार कर यूँ चले, वो दंधनाते फिर हैं यूनिवर्सिटी में। जब ये लड़ाई हुई कोई इंसान ये नहीं कह सकता था कि वो एक यूनिवर्सिटी है, वो एक मैदान जंग लग रहा है। आप वो अगर वो जो वीडियो है यूनिवर्सिटी की, वो लड़ाई की, वो आप देखें तो एक मैदान जंग है, वो एक यूनिवर्सिटी नहीं है। बाहर कहीं लड़ाई होती है वो समझी जा सकती है कि हाँ लड़ाई हो, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के अंदर यूँ कोई मार के चला जाता है, क्यों वो भी स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। थैंक यू। मैं ये कहना, मुझे ये बताइएगा कि कौंसल बनने में क्या चीज़ रुकावट है, इंतजामिया रुकावट है या नहीं? नहीं नहीं, कौंसल बनने में ये दीगर जो कौंसल है वो रुकावट है। जैसे कि हमारी जो तादाद है कश्मीर से, तादाद में बहुत कम है, ठीक है, बहुत माइनॉरिटी में है और वो मेजॉरिटी है। और गिलगित कौंसल बनी हुई है, गिलगित वाले तो आपसे भी ज़्यादा माइनॉरिटी है। हाँ, माइनॉरिटी में भी ये भी हैं, लेकिन ज़्यादा इश्यूज इन लोगों के कश्मीर की तरफ आते हैं, आई डोंट नो क्यों, लेकिन पहले तो ये कहते हैं कि कश्मीर, हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे, ये वो स्ट्रेंथन नहीं है आपस में या फिर नहीं नहीं स्ट्रेंथन की बात नहीं हम करेंगे, लेकिन ये काफ़ी कौंसल्स को इनको पहले से भी इशूज़ रह चुके हैं कि अगर कोई फेसबुक पर कुछ अपलोड कर दिया जाता है कश्मीर के हवाले से तो उन्हें काफ़ी इशूज़ रहते हैं। कौंसल ना होने की वजह से आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? अब जिनकी कौंसल्स हैं वो तो फिर उनको ऑब्वियसली सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है उन कौंसल्स की तरफ से भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी मानती है। अब हमारी नहीं है तो ऑब्वियसली जैसे कि ये मारपीट हुई है, ये कौंसल ना होने के ही नुकसान है। हमारे ऊपर ये जुल्म सितम करते रहे हमेशा से, वो हमें मारते पीटते रहे, हमें कमरों से बेदखल करते रहे, और ये गुज़िश्ता पिछले 3 दिन से वो एक कमरे के मसले के ऊपर मार पीट रहे हैं और वहां से बेदखल करने के लिए वो तवज्जो कर रहे हैं, हालांकि इसके ऊपर हमारी लीगल अलॉटमेंट। और फिर 20 जून के दिन हम 4 कश्मीरी तलबा के ऊपर जिस तरह से इन 35 लोगों ने बेईमाना तशद्दुद किया, पिस्तौल के साथ, छुरियों के साथ और लोहे के ढंडों के साथ जिस बेदर्दी के साथ हमें मारा गया, हमें कत्ल करने की कोशिश की गई, आज हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। और जिस तरह से ये जिलाई इंतजामिया उनकी पुश्त पर खड़ी है, हमारा बाकायदा पर्चा नहीं काटा गया, फिर जब पर्चा काटा गया तो उसके अंदर बाकायदा दफात नहीं लगाई गई, तो आज हम तमाम लोग यहाँ पे उसके खिलाफ एहतजाज करने आए। तो अब हम फर्दन फर्दन में आप तमाम लोगों को दावत दूंगा जो आज के स्पीकर हैं, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि हम इसको मुख्तसर रखने की कोशिश कर रहे हैं, काइंडली 3 मिनट में अपनी बात को समअप कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आमिर अब्बास को दावत दूंगा जिसको जख्मी किया गया, बुरी तरह मारा गया, लेकिन वो इस सारे जबर के खिलाफ खड़ा रहा। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि इन दर्दमंद, इन जो जख्मी तलबा, इनकी बात सुनिए और इनके साथ यकजहती का इजहार भी कीजिए। आमिर अब्बास,
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जितने भी तुलबा पिंडी इस्लामाबाद डिवीजन से जहाँ पर आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पिछले तीन दिन से जिस तरह उन्होंने हमारे साथ यकजहती का मुजाहरा किया, वो बिल्कुल एक देखने के काबिल था। और ये बात इधर इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी के अंदर बिल्कुल वाजिया की कि हम सब कश्मीरी तुलबा एक हैं। जिस तरह और सब यहाँ पे कौंसल्स वगैरह या जो भी लोग हैं अपने कल्चर की प्रमोशन करते हैं, वो एक हो जाती है। अभी ये जो एक इशू चल रहा था एक हॉस्टल के एक कमरे की वजह से, उन्होंने इतना तासब दिया कि हम लोग मजबूर हो गए एक होने पे। हमें कभी भी इस तरह की कभी भी हमने ना सियासत की है, ना हमने कभी भी इसको तासब का रंग दिया है, और ना यूनिवर्सिटी के अंदर कभी हमने इस तरह की पॉलिटिक्स की है कि जहाँ पे उन लोगों को ये बात लगे कि हम यहाँ पे कोई इलाकाइज्म प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं किस बात का होल है, किस बात का डर है के कभी कश्मीरी लड़कों को रूम में मारते हैं, कभी शोधा के नाम पे जलाई जाने वाली मोमबत्तियों को तोड़ते हैं, कभी सेंट्रल लाइब्रेरी के आगे कश्मीरी परचम की तोहिन करते हैं, और हॉस्टल के रूम के अंदर आके हमारे जो कौमी रोज हैं उनके पर उनके तस्वीरों के साथ बेरहमती की गई, वो फाड़े गए। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को हम आज भी कह रहे हैं कि वो जितने भी गुंडे थे वो आज भी हमें सरेआम नजर आ रहे थे, आज भी वो यूनिवर्सिटी के अंदर आजाद घूम रहे थे। आखिर आप कब एक्शन लेंगे? ये जो दिन का वाकया हुआ है, उस रात को हमने यूनिवर्सिटी को बता दिया था कि हमारी लाइफ थ्रेट से हम लोगों को, लेकिन यूनिवर्सिटी के ऑफिसर जो सिक्योरिटी ऑफिसर था उसको ये बात मालूम होने के बावजूद उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने कहा कि जब होगा देखा जाएगा, लेकिन जब हुआ तो यूनिवर्सिटी के दरमियान दिन दिहाड़े हम एक तरफ पांच स्टूडेंट थे, निहत्थे थे, हमारे हाथ में ना तो कोई हथियार था ना कुछ था, लेकिन जबकि दूसरी तरफ जो लोग आए हुए थे उनकी गाड़ियों में डंडे थे, चाकू थे, रॉड थे, इवन के कुछ लड़कों ने तो उनके पास पिस्टल भी देखे हैं, और वो सरकारी गाड़ी की थी। जहां तक कुछ लड़कों ने देखा है उनके बाकोल सरकारी गाड़ी में ये कुछ सब कुछ लाया गया है, लेकिन वहां पर यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी मौजूद थी, उन्होंने हमें तहफ़ बिल्कुल नहीं दिया, और लोग भी मौजूद थे, तहफ़ बिल्कुल नहीं दिया। जब हम लोग खून से बिल्कुल हमारे सर फट चुके थे, बाजू टूट चुके थे, तब हमें मेडिकल सेंटर की तरफ भेजा गया। हम आज भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि उन लोगों को फिल फोर यूनिवर्सिटी से बेदखल किया जाए। ये जितने भी गुंडे हैं जो कौंसिल की इमा पे आके कौंसिल के रंग के तासब देके तुलबा के हुकूक पे डाका डालते हैं, उन लोगों को फिल फोर यूनिवर्सिटी से निकाला जाए। और हम इधर इस्लामाबाद इंतजामिया से भी गुजारिश करते हैं कि उन लोगों को फिल फोर गिरफ्तार किया जाए। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से बेदर्दी से आमिर को मारा गया था, और हम तमाम लोग जब हमें बेदखल कर दिया गया कमरों से तो हम बारिश में भीगते रहे, बैठे रहे। लेकिन इस वाकये ने जो बात साबित की है वो ये है कि हम कायदे आजम यूनिवर्सिटी के तालबे इल्म कश्मीरी तालबे इल्म हम अकेले नहीं थे, इस्लामाबाद में मौजूद हर एक कश्मीरी तालबे इल्म ने हमारे साथ जिस तरह यकजहती की, और गैर कश्मीरी तलबा ने भी जिस तरह से हमारे साथ यकजहती की है, वो हमारे लिए बहुत खुशी का बायस था। हम आज इस जगह की वसातत से यह पैगाम देना चाहेंगे कि यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हर कश्मीरी तालबे इल्म का दुख दूसरे कश्मीरी तालबे इल्म का भी दर्द है। तो अब मैं हमारे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज से जो कश्मीर काउंसिल से उनके नुमाइंदों से जो है गुजारिश करूंगा कि वो बात करेंगे। सबसे पहले वाइस चेयरमैन नमल कश्मीर काउंसिल हमजा बुखारी से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो लोग वाकई में इस अपने भाइयों का दुख दर्द समझते हुए यहां पे इतनी गर्मी में तशरीफ लाए। और इसके बाद दोस्तों को कहता हूं, मैं इन अपने कायदे आजम के भाइयों को ये कहता हूं कि हमें बार बार ये ना कहा करें कि जी आपका शुक्रिया वैसे, क्योंकि मुझे कभी नमल में और कायदे आजम में वो फील ही नहीं हुआ कि नमल मेरी यूनिवर्सिटी है या कायदे आजम मेरी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि ये दो चार मेरे साथ उठते बैठते खाना खाते रात को हम वहाँ पे हॉस्टल में इनके साथ होते हैं, तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कायदे आजम अलग यूनिवर्सिटी है या नमल अलग यूनिवर्सिटी है।
मेरे लिए ये दोनों यूनिवर्सिटीज बराबर हैं। इसके बाद अगर इन स्टूडेंट्स की बात की जाए कि जिन पे तशद्दुद किया गया, ये वीडियो मैं अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, ये वीडियो सबके सामने मौजूद है कि एक तरफ से 100 बंदे आ रहे हैं डंडों से असलों से लेस और 4 बंदूक के ऊपर आके वो उन पे हमला कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी इंतजामिया का ये रद्द अमल है कि वो ASI सब आज भी ये बात कर रहे थे कि जी रिपोर्ट्स आएंगी यार, 4 दिन हो गए, ये किस चीज की रिपोर्ट्स हैं कि इनके हवाले नहीं की जा रही रिपोर्ट्स। वो इनको कहीं ये डर है कि अगर रिपोर्ट्स आ गई तो फिर गिरफ्तारियां होंगी, तो गिरफ्तारी करने के लिए जाहिर सी बात है पुलिस को हॉस्टल में जाना पड़ेगा, पुलिस को रिश्वत देनी पड़ेगी, इसलिए पुलिस इस FIR काटने की तरफ या इसमें जो दफात होती है नॉन बेलेबल उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जा रही। इसके बाद ये है कि जितने भी यहाँ पे हमारे बाहर से लोग तशरीफ लाए, नमल कश्मीर काउंसिल की तरफ से भी उनका शुक्रिया, और नमल कश्मीर काउंसिल पूरी जहाँ तक हो सका अपने इन भाइयों के साथ खड़ी रहेगी, ना कि सिर्फ कायदे आजम बल्कि पिंडी इस्लामाबाद, जहाँ तक हो सका नमल कश्मीर काउंसिल पूरी इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है। और इसी के साथ मैं ज्यादा चाहूँगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग जितना मुख्तसर हो सके उतनी मुख्तसर बात करें। अब मैं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट की तरफ से नवीद शौकत साहब को दावत दूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के दहारे पूछते हैं, सड़कों की जबान चिल्लाती है सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा, ऐ रहबर मुल्को कौम जरा, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, ये किसका लहू है कौन मरा। मैं सबसे पहले तो जो कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर कश्मीरी तुलबा जिनके ऊपर ये हमला किया गया, जो दहशतगर्दी और गुंडागर्दी की गई, इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और साथ ही साथ जो इंतजामिया का जो रवैया है वो भी जो है तो काबिले मजम्मत है। हम समझते हैं दोस्तों और साथियों के जो ये मुख्तलिफ काउंसिल्स होती हैं, ये किसी भी कौम से कोई तल्लक रख रहा हो उनको जामियात के अंदर ये हक हासिल होता है कि वो अपने कल्चर को, वो अपनी जबान के ऊपर, वो अपनी सकाफत के ऊपर काम करें, और मुख्तलिफ जो इल्मी अदबी सरगर्मी है उसकी उन्हें इजाजत होती है। लेकिन जो यहाँ पर जो एक एक यहाँ पर रंग नस्ल की बुनियाद पर, एक तंग नजरी की बुनियाद पे जो यहाँ पर हमारे तुलबा के ऊपर जो दहशतगर्दी की गई, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और साथ ही साथ तालिबे इल्म साथियों, जो यहाँ पे चीज मैं यहाँ पे करना मुनासिब समझता हूँ, जो ये गलतफहमी है उसको दूर करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर इसे कश्मीरियों और पंजाबियों के दरमियान कोई एक नफरत का वो जो सिलसिला वो उसको बयान किया गया, हम कतई तौर पे किसी एथनिसिटी की बुनियाद पे, किसी रेसिज्म की बुनियाद पे इस तरह की नफरत अंगेजी के कायल नहीं है। और हम समझते हैं कि जो जो पंजाब के जो जो मजलूम है, जो महकूम है, जो सिंध के मजलूम और महकूम है, जो बलोचिस्तान के मजलूम और महकूम है, उनके साथ कतई तौर पे हमारी रंग नस्ल की बुनियाद पे कोई नफरत नहीं है, कोई जो है तो वो नफरत नहीं है। और हम समझते हैं इनकलाबी साथियों कि यहाँ पर ये जो हमला किया गया इसके ऊपर जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए, और बाहसियत एक तुलबा तंजीम का नुमाइंदा होने की बाहसियत नमल कश्मीर काउंसिल का एक मेंबर होने की हैसियत से मैं आपको अपने तावन की भरपूर यकीन दिलाती दानी कराता हूँ। और जो भी नमल कायदे आजम यूनिवर्सिटी के जो तालिबे इल्म जो फैसला करेंगे, हम उनकी हर एक कॉल पे लबैक कहते हुए उनके शाना बिशाना खड़े होंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। इलम जिदोजहद इंकलाब, बहुत शुक्रिया। ये रियासत पाकिस्तान, ये हमारी भी रियासत है, ये पंजाब हमारा है, तमाम के तुलबा हमारे भाई हैं। हम सिर्फ ऐसे दहशतगर्द ग्रोह की गिरफ्तारी चाहते हैं और उनको एक्सपेल करवाना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से, ताकि इन तालीमी इदारों का माहौल बेहतर हो। हम किसी किस्म के इलाकाई, कबीलाई या लसानी तासुब के कायल नहीं है। अब मैं दावत दूंगा जम्मू कश्मीर स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट से उबैद शबीर साहब को कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिकवाए शबे जुल्मत से कुछ तो बेहतर था, शिकवाए शबे जुल्मत से कुछ तो बेहतर था, अपने हिस्से की दिया जलाए जाते। सबसे पहले तो कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो वाकया पेश आया, मैं उसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करता हूँ,
और उसके साथ साथ मैं इंसानियत से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे जो कश्मीरी तलबा को टार्चर किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी गैर मशरूतिया जो है वो तहकीक होनी चाहिए, न्यूट्रली उसकी तहकीक होनी चाहिए। और वो लोग के जिन्होंने एक एथनिसिटी बेस पे इस सारे मामले को जो है अंजाम दिया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारी बातें मुझसे पेश करने की, वक्त चूंकि मुख्तसर है, मैं मुख्तसरन जो है वो एक बात की तरफ आपका आपको लेके जाना चाहूंगा कि हमेशा याद रखिएगा कि पहचान जो है वो बहुत ज्यादा माने रखती है। बैसियत कौम, जब तक हमारी पहचान नहीं होगी, हम लोग इसी तरीका से, चाहे वो दिल्ली हो या चाहे इस्लामाबाद हो, हर जगह पे हम इसी तरीका से मारे जाएंगे, हर जगह पे हम इसी तरीका से पीटे जाएंगे, और इसी तरीका से हमारी हक तलफी होती रहेगी। सो अपने बैसियत तालब इलम, आप पे ये जिम्मेदारी आयत होती है कि आप इस कौम के मेमार हैं, आने वाली कौम की जो बुनियाद है वो आप लोगों ने रखनी है। सो इसलिए आपकी जिम्मेदारी में ये चीज शामिल है कि ना सिर्फ अपने हकूक के लिए आप लोग निकले, बल्कि अपनी पहचान के लिए, जो रियासत मादर मिल्लत कश्मीर की पहचान है, उसकी उसकी आजादी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए भी आप लोग जो है अपना रोल अदा करें। तो मैं मुख्तसरन जो है बैसियत नुमाइंदा जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट की हैसियत से, हम गुज़श्ता 5 रोज से सारे मामले में पेश रहे भी हैं, और मैं बैसियत एसएलएफ जिम्मेदार इस चीज की यहां यकीन दहानी करवाता हूं कि इंशाल्लाह हमारा हर तरह का तामन जो है वो आपके साथ रहेगा। वो दामे वो सुखने है, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। और इंसानियत को ये मैं बावर करवाना चाहता हूँ बड़े वाजे अल्फाज में कि अगर इस मामले की तहकीक ना की गई, और अगर जो लोग इस मामले में पेश हैं, अगर उनको कैफरे के दार तक ना पहुंचाया गया, तो ना सिर्फ कश्मीर भर के अंदर बल्कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ये मामला हवा पकड़ सकता है। अगर यहाँ पे हमारे तुलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है एथनिक बेस पे, तो ये भूल जाए कि कश्मीरी तुलबा आपको जो है वो कश्मीर के अंदर टिकने देंगे फिर वहां पे। सो इसलिए हम नहीं चाहते कि जिस तरीका से पहले भी मजहबी और मसल की जो तफरके हैं वो हवा ले रहे हैं, हम किसी एक नए तफरके की तरफ जाएं। हम लोग जो है पुरमन सियासी जदोजहद पे यकीन रखते हैं, हम पुरमन लोग हैं, लेकिन जब हमारे हक की बात आएगी तो ये भूल जाए कि हम लोग जो है अपने हक पे कंप्रोमाइज करेंगे। इसलिए इस मामले की जो है वो तहकीक होनी चाहिए, और जो लोग जो इस मामले को जिन्होंने अंजाम दिया है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ। इलम जदोजहद आजादी खुद मुख्तारी खुशहाली वस्सलाम। अब मैं दावत दूंगा रिजवाना जमान को, जो कायद आजम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं, कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अच्छा, अभी मैं दावत दूंगा राजा उमैर को, जो पी स्टूडेंट काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अब दावत है अजहर रशीद को, जो जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। फकत चलना ही मुश्किल था, हम अब मंजिल को पा लेंगे, बिना मंजिल हमें रुकना नहीं आता। जमी के सब हुदाओं से फकत इतनी सी दुश्मनी है, उन्हें सजदे जरूरत है, हमें झुकना नहीं आता। आप तमाम इस्लामाबाद के अंदर रियासत जम्मू कश्मीर के जो तालिबे इल्म शहरी, मैं आप तमाम तालिबे इल्मों को सलाम पेश करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ कि आप ने इस सानिये के ऊपर एक मुनज़्ज़म एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और पिछले 5 दिन से मुसलसल एक सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू पूरी रियासत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये पैगाम दिया कि जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और जबर, जो नाइंसाफी कायद आजम यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, हम उसको किसी सूरत मंजूर नहीं करेंगे। और मैं ये चूंकि धूप है और मुख्तसर प्रोग्राम है, और मैं मुख्तसर बात करना चाहूंगा, लेकिन चंद एक जो बुनियादी बातें हैं जिनके ऊपर हम समझते हैं कि इस प्रोग्राम की वजादत से हमारा
मैसेज और हमारा ऐलानिया तौर पे ये एक पैगाम जाना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी स्टूडेंट्स के ऊपर इसके बाद जो इससे पहले हुआ उसके ऊपर भी हम सरापा एहतजाज हैं, और इसके बाद अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर या पाकिस्तान के किसी भी सिटी के अंदर कश्मीरियों के साथ नाइंसाफी करने की बात की गई या कश्मीरियों के साथ जबर किया गया तो उसके नतज बहुत बहुत खौफनाक होंगे। ये हम बड़ा वाजे कहना चाहते हैं। इससे पहले भी हमने ये मैसेज जिला इंतजामिया को दिया, लेकिन जिला इंतजामिया इस पे संजीदा नजर नहीं आ रही, ना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त तक वहाँ पे कोई नोटिस लिया गया। और हम ये समझते हैं कि हम पुरमन एहतजाज के साथ अपने मुतालबात रियासत तक, हुकूमत वक्त तक और इंतजामिया तक पहुँचाते हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर संजीदा नोटिस ना लिए गए तो ये तहरीक जो है ये किसी और तरफ चली जाएगी। हम नहीं चाहते हम उस तरफ जाए। कश्मीर की तमाम जामियात के अंदर इस हवाले से एहतजाज हो रहे और हम नहीं चाहते कि एथनिक बेसिस पे हम किसी डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाएं जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी तलबा के साथ हो रहा है। हम इसकी भरपूर मजामत करते हैं और कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज है हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे जब कश्मीरी तलबा के साथ ज्यादती हुई, वहाँ पे जबर हुआ, वहाँ पे नाइंसाफी हुई तो तमाम कम्युनिटीज खामोश थी। और ये इस्लामाबाद का ये प्रेस क्लब का ग्राउंड भी इस चीज का गवाह है कि जब बलोचियों के साथ ज्यादती हुई तो कश्मीरी तलबा सबसे पहले आके खड़े हुए, जब पश्तूनों के साथ मसाइल थे तो हम सबसे पहले उनके साथ जाके खड़े हुए, जब सरायकियों के साथ कोई मसला होता है, जब सिंधियों के साथ कोई मसला होता है तो ये कश्मीरी उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये लसानी बुनियाद पर तकसीम हमारी समझ में नहीं आती कि हमारे तलबा के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर वहां पे लाठियों डंडों के साथ उनके ऊपर जुल्म किया गया। और यहाँ पे मैं ये बात इंतजामिया को नोट करवाना चाहता हूँ कि वहां पे कल के एक निजी अखबार के अंदर भी ये रिपोर्ट शाया हुई कि जब यहाँ पे कश्मीरी तलबा पे एहतजाज किया गया तो वहां पे सरकारी गाड़ियों में डंडे और असलाह प्रोवाइड किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इस बात का जवाब दे कि कौन सी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे कश्मीरी तलबा के ऊपर जिनके जरिए तशद्दुद किया गया। बसूरत दीगर हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अपने इस कश्मीर के अंदर भरपूर एहतजाज मुजाहिरों की तरफ जाएंगे और वहां पे किसी सरकारी गाड़ी को फिर नहीं चलने देंगे जो हमारे तलबा के ऊपर तशद्दुद करने के अंदर मुलव्वस होंगे। हम एक मरतबा फिर हुकूमत और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को बिलखसूस ये कहना चाहते हैं कि जो दफात हमने दरख्वास्त के अंदर शामिल करवाए थे वो क्यों नहीं दर्ज किए, इस वक्त उन स्टूडेंट्स को एक्सपेल क्यों, ये सवाल है यूनिवर्सिटी इंतजामिया से, जिला इंतजामिया से। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जितने कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, हम एक अगले लाए अमल की तरफ बढ़ेंगे, हम तमाम कश्मीरियों को यूनाइट करेंगे और हम यहाँ की सिविल कम्युनिटी जो कश्मीर से ताल्लुक रखती है हम उनसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि कश्मीरियों के इस एहतजाज के अंदर भरपूर शिरकत करें, भरपूर इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ें ताकि हम यहाँ पे कौमी गैरत के साथ जीने का हमें भी हक मिलना चाहिए कि जो कि हमसे छीना जा रहा है इल्म जदोजहद फतह। अब मैं दावत खिताब दूंगा जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से आमिर बशीर इंकलाबी साहब को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियां मनाने वालों, शहर के तेवर बता रहे हैं अभी घुटन तो बढ़ेगी इतनी कि सांस लेना अजाब होगा। और वो दिन गए जब हर सितम को अदाए महबूब समझ के चुप थे, उठी जो हम पे अब ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। और सुकूत सहरा में बसने वालों, जरा इन रुतों के मिजाज समझो, जो आज का दिन पुरसुकून गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। नहते काबले इत्राम जम्मू कश्मीर से तलक रखने वाले मेरे तमाम अहबाब दोस्तों साथियों जदोजहद के साथियों आपको मेरा सलाम, और बिलखसूस हमारे दरमियान मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली जावेद इकबाल भटानी साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जेके पीएसएफ के प्लेटफॉर्म से भी और कश्मीर कम्युनिटी की तरफ से कि आप आए और आपने हमारे इजहार यकजहती की, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला कि आप कश्मीर की असेंबली के अंदर भी इस वाकये को उतने ही जोर शोर से उठाएंगे और अपनी पूरी रियासत
रियासत के जिम्मेदारान और अहदेदारान को ये पावर करवाएंगे कि हम ये कश्मीरी इस पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर भी महफूज नहीं है। मैं इस वाकये की बतौर कश्मीरी मजम्मत करना चाहता हूँ, और सिर्फ मजम्मत ही नहीं, हम इसके साथ साथ ये वाज़ेह पैगाम भी देते हैं, अगर हमें गलत तरीके से छेड़ा गया तो हम मजम्मत करना भी चाहते हैं। मैं इस्लामाबाद की इंतजामिया से ये सवाल करना चाहता हूँ, और वकला हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो FIR, क्योंकि मैं खुद भी एक वकील हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जो FIR उन्होंने दर्ज की वो फिक्टिशियस है, मतलब फाइडी के ऊपर उसकी बुनियाद रखी गई है, कोई भी एफआईआर नहीं लगाया गया जिसकी वजह से उनको मुजरम ठहराया जा सके। और किसी भी तालीमी अदारे के अंदर जब तलबा यूनियन को बैन किया गया तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी लोगों को फिरकों के अंदर तकसीम करने की, ग्रोहों के अंदर तकसीम करने की, कौंसल्स के अंदर तकसीम करने की। जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का पहले दिन से यह मौका हुआ है कि लिसानियत के ऊपर तंजीम साजी नहीं की जा सकती, खिते के ऊपर तंजीम साजी नहीं की जा सकती, तंजीमें फकत नजरिए के बुनियाद पर बनाई जा सकती हैं। हमने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी को देखा, माजी के अंदर भी इसकी इंतजामिया हमेशा से खाबे खरगोश में रही है, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ना होने के बराबर है। अगर वो हमें किसी कौंसिल के चेयरमैन के पास अपने हिफाजत के लिए भेज दिया तो हम उसको मुस्तरद करते हैं और उसको यह भी पैगाम देते हैं, इस्लामाबाद की इंतजामिया को भी ये कहना चाहते हैं, हम अभी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी एप्लीकेशन दे के आए कि हमारे लोगों को तहफ़ुज़ भी फराहम किया जाए, और जो वो लोग असले से लेस, जो लाठियों से लेस हैं उनके असले जब्त करके उनके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाए, और जो हमने नामजद किए हैं अपनी FIR के अंदर उनको फिर फौर गिरफ्तार करके हमें कानूनी इंसाफ पहुंचाया जाए। और मैं आखिर में तमाम आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक जिंदा कौम होने की सबूत दिया, और आखिर में कि जिंदा की सलाहें टूटेंगी, कुफलों को परेशान देखेंगे, दावा है हमारा जंजीरों, हम जश्न बहारा देखेंगे, और क्या गम नूर की चाहत में शबे गम हमको भी खा जाए। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे, इलम जदोजहद इनकलाब।